क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUAP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चों सेमेस्टर थर्ड सेशन में पढ़ रहे हैं आप सभी बच्चे 22-26 के, तो आप सभी आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी को अपने एग्जामिनेशन में टोटल कितने मार्क्स लाने हैं या फिर हर सब्जेक्ट का कितना पासिंग मार्क्स लाना है, जिससे आप लोग क्या होंगे सेमेस्टर थर्ड में हर पेपर में पास होंगे और सेमेस्टर फोर में आप आराम से जा सकेंगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा छोटा सा टेलीग्राम परिवार है जहां लगभग 3000 बच्चे जुड़े हुए, अगर आप उनसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझे फेसबुक पेज फॉलो कर पूछ सकते हैं। देखिए, आप सभी छात्र छात्राओं का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं तो FYUAP लिखते हैं, और ये NEP 2020 के तहत आता है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें आप सभी को सेमेस्टर थर्ड में कौन कौन से पेपर आपने पढ़ने हैं, एक मेजर पेपर है, एक माइनर पेपर है, एक MDC पेपर है, एक आपका AC पेपर है, एक आपका SIC पेपर है। बोलिएगा हमारे पास एक SIC पेपर, क्योंकि आपके पास दो मेजर पेपर है, ठीक है, मेजर में आपके दो पेपर है। अब ये हर पेपर आपका अलग अलग मार्क्स का होगा, कोई 85 मार्क्स का हो सकता है, कोई 75 मार्क्स का हो सकता है, इंटरनल भी हुआ होगा मेजर पेपर और माइनर पेपर में, लेकिन आपको लाने कितने मार्क्स है, क्योंकि आप सभी को आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है, मिनिमम एक मार्क्स तो लाना पड़ेगा जिससे आप अगले सेमेस्टर में जा सके, तो वही मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में क्लियर करूंगा। तो अगर आप सभी का मेजर पेपर अगर 80 नंबर का है, अगर 80 नंबर का ही अगर आपका पेपर हुआ है, तो आपको 80 नंबर में कितना लेकर आना है, तो याद रखिएगा कोई भी पेपर हो उसका आपको लेकर आना है 40%, यानी कि आपको 32 नंबर लेकर आने हैं तो आप लोग क्या कराइएगा, पास कराइएगा। यानी हर पेपर में आप सभी बच्चों को, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, अगर यही वाला हमारे पास, मैं मान के चलता हूं कि अगर ये 60 नंबर का है तो 60 नंबर कितना लाना पड़ेगा आपको, 24 नंबर, क्यों, इसका 40% कितना होता है 24। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको कितना नंबर लाना होगा, 40 नंबर लाना होगा, तो आप लोग क्या कराइए, पास। यानी आप सभी जितना भी आपका पेपर है, चाहे वो इंटरनल का हो चाहे एक्सटर्नल का हो, हर पेपर में आप सभी बच्चों को 40% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। यानी आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, आप जितने भी सेमेस्टर दीजिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल में भी 40% चाहिए और एक्सटर्नल का जो पेपर होगा वो जितने भी मार्क्स का हो उसमें भी आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। और सबसे बड़ा पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया देखिएगा, इंटरनल अगर मान के चलते 20 नंबर का, तो इसमें आपको 8 मार्क्स तो एकदम लाने हैं। अगर ये पेपर अगर आपका 80 का है तो यहाँ 32 मार्क्स, और ये दोनों पेपर मिला के आपको लाना पड़ेगा, नहीं अलग अलग, इसमें 8 इसमें 32, तो आप लोग क्या कराइएगा सेमेस्टर में पास कराइएगा। वरना कोई बच्चा बोलेगा हमने तो 5 नंबर इंटरनल है फिर हम पास फेल क्यों होंगे, कारण यही है 8 नंबर यहाँ पे कह सकते हैं जितना भी आपका इंटरनल हुआ होगा उसको आपको 40% लेकर आना पड़ेगा तो ही आप लोग पास कराइएगा। और दोनों का मार्क्स जोड़ के उससे कोई मतलब नहीं भाई, आप इसमें कम लाओ ज्यादा उससे क्या करना है, आप इसमें 50 लेके आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना लाना पड़ेगा तो 40% आपको हर पेपर लेकर आना पड़ेगा, तो आप लोग हर सेमेस्टर जा सकते हैं। अब जिसका जितना का पेपर हुआ, माइनर का 80 नंबर को निकाल लो इसका, अगर ये 75 का हुआ ये भी निकाल लो, ये 50 का हुआ, सबका कितना निकालना है आपको 40% आपको निकालना पड़ेगा, और 40% हिसाब से ही आप सही बच्चों का देखिए जो भी आपका पेपर हुआ है जितने मार्क्स का एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिखा हुआ है सारा मार्क्स को एड कर लीजिए। आप बोलिए सर हमें कैसे पता चलेगा हम फर्स्ट डिवीजन आएंगे सेकंड डिवीजन, भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 60% मिनिमम क्या होता है आपको मालूम होगा, 60% में फर्स्ट डिवीजन होता है, ग्रेजुएशन में SGPA या फिर CGPA से चलता है, वो निकालने का तरीका आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर कह सकते हो उसे निकाल सकते हो। तो इस तरह आप सही बच्चे आराम से अपना चेक कर लीजिएगा कि कितना नंबर आप सही बच्चों को आ रहा है या कह सकते हैं कितना पासिंग नंबर आपने पेपर लिखा है, उसके बाद आराम से मस्त तैयारी करो सेमेस्टर फोर की, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बता दिया, आशा करूं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।